राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, चलिए हम अपने महाग्रंथ को कंटिन्यू करते हैं और आज का अपना शीर्षक है 1996 रूपांतरण यात्रा। प्यारी साध संगत जी, हुजूर साहब की कनाडा से अप्रत्याशित वापसी ने बड़े महाराज जी के दिल में गहरी खुशियों की लहरें भर दी। विरह का समय भले ही मात्र 14 दिनों का था, लेकिन हुजूर साहब की आश्रम में वापसी के 15वें दिन पर बड़े महाराज जी की आनंदित भावनाएं ऐसी थी मानो वर्षों से बिछड़े हुए प्रियजनों का मिलन हो रहा हो। उनकी आंखों में विशेष उष्णता और चमक से स्पष्ट था कि उनका हृदय प्रेम की अयोध्या में परिणत हो गया था। हुजूर साहब के आश्रम में उनके पुनः प्रवेश का दिन एक नई उम्मीद और खुशियों के युग की शुरुआत थी, जिसने वातावरण को दीपावली के उत्सव की भांति आलोकित और हर्षित कर दिया। प्यारी साध संगत जी, उस पल से ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक नई सुबह ने दस्तक दी है, एक ऐसा युग जिसकी आकांक्षा बड़े महाराज जी ने गहरी उत्कंठा के साथ की थी। यह घटना उस अनूठी यात्रा के प्रारंभ का चिन्ह बनी जिनकी कल्पना बड़े महाराज जी ने आत्मिक धैर्य के साथ की थी। इस घटना के पश्चात बड़े महाराज जी ने अपने सभी विभिन्न कार्यों, चिंताओं और सत्संग से जुड़े कर्तव्यों को हुजूर साहब के हाथों में सहजता से सौंप दिया। हुजूर साहब की वापसी के परिणाम स्वरूप बड़े महाराज जी के आचरण में गहन शांति और संतोष की झलक बेहद स्पष्ट नजर आई। उनकी उपस्थिति में एक अद्वितीय पूर्णता और शांत सफलता की आभा उजागर हुई जो उनके प्रत्येक क्रियाकलाप और संकेतों में व्याप्त थी। यह प्रतीत होता था कि उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से हुजूर साहब को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिससे उनके अंदर एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट सफलता का अनुभव हो रहा था। बड़े महाराज जी के इस निर्णय की स्पष्टता और अनिवार्यता उनके उत्साहित दावों, संबोधनों और सत्संग में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उन्होंने हुजूर साहब की वापसी के बाद एक सत्संग में स्पष्ट रूप से कहा कि एक आधा भी लायक निकल जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे मेरा मास्टर मिल गया। इसके पश्चात बड़े महाराज जी ने मानो अनूठे सत्संगों की एक श्रृंखला का आरंभ किया। उन्होंने एक गहन आध्यात्मिक सफर पर प्रस्थान किया जिसमें वे विभिन्न नगरों से होते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक गई और ऐसे अपूर्व तीव्रता के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा की जो इतिहास में अद्वितीय थी। कभी कभी तो एक ही दिन में 3 बार तक सत्संग का आयोजन किया। उनके सत्संग दिव्य ज्ञान की अमृत धारा बन गई, जैसे स्वयं दिव्य लोक से वर्षित हो रहे हों। इस परिवर्तनकारी अवधि में बड़े महाराज जी ने आश्रम के वित्तीय प्रबंधन से लेकर कृषि, प्रशासन, निर्माण और यहाँ तक कि सत्संग के आयोजन तक सभी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को हुजूर साहब के सुयोग्य हाथों में सौंप दिया। उनके गुरुमुख को सभी कार्यों, कर्तव्यों और पहलुओं का प्रबंधन इतनी कुशलता और सफलता के साथ करते हुए देखना बड़े महाराज जी के हृदय को अपार आनंद, संतोष और शांति की अनुभूति से भर देता था। हुजूर साहब के अथक प्रयासों को देखकर बड़े महाराज जी के हृदय में राहत, मंत्रमुग्धता और गहन संतोष की लहरें उठने लगी। ऐसा लगा मानो संपूर्ण सत्संग एक विस्तृत अनंत प्रांतर में परिणत हो गया हो, जहां गुलाब के फूलों का एक उज्जवल समुद्र लहलहा रहा हो। दिनोद धाम
ज्ञान के खोजी साधकों के लिए एक आश्रय स्थली बन गया, जो अब भारी संख्या में बड़े महाराज जी की दिव्य अनुकंपा में स्नान करने आ रहे थे। उनकी दिशा निर्देशना में दिनोद आश्रम ने आध्यात्मिकता के एक नवोदित केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त की, जिसकी दिव्य ऊर्जा और पवित्रता की ख्याति विश्व भर में फैलने लगी। प्रकृति के विस्मयकारी चक्कर में प्रत्येक मौसम का आगमन और प्रस्थान निश्चित और आवश्यक है। वर्तमान मौसम भी जो एक क्षणिक कृति की तरह बदलाव के लिए तैयार था, प्रकृति के भविष्य में आने वाले उपहारों की प्रतीक्षा में नवीनीकरण के लुभावने वादे छिपे होते हैं। परंतु असली परीक्षा तब आती है जब हम एक मौसम से दूसरे में संक्रमण की यात्रा करते हैं। यह अवधि जो परिवर्तन के लिए अनिवार्य है, अक्सर कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी होती है। प्यारी साधसंग जी, 1996 की शुरुआत के साथ ही बड़े महाराज जी ने एक नवीन परिवर्तनकारी युग का आरंभ किया, जिसने समय के प्रवाह में एक गहरा परिवर्तन उत्पन्न किया। इस यात्रा के प्रारंभिक दौर में उन्होंने हुजूर साहब को संगत के मध्य मुख्य भूमिका में प्रतिष्ठित करने की दिशा में कदम बढ़ाया, जहां उन्हें वह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई जो पूर्व में बड़े महाराज जी स्वयं निभाया करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था हुजूर साहब को प्रोत्साहित करना कि वे सत्संग की अगुवाई और नेतृत्व की भूमिका को अपनाएं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, जो 18 वर्ष पूर्व हुजूर साहब द्वारा उनकी आध्यात्मिक यात्रा के आरंभ का प्रतीक था, एक उल्लेखनीय समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस पवित्र दिवस पर बड़े महाराज जी अपने मौन व्रत का पालन समाप्त करते हुए एक विशाल संगत को अपने दिव्य और प्रेरणादायक वचनों से आशीर्वादित करने वाले थे। अपनी एक महीने की लंबी मौन साधना समाप्त करने के बाद बड़े महाराज जी ने हुजूर साहब को बुलाया और उन्हें सत्संग का नेतृत्व करने का निर्देश दिया। हुजूर साहब अपने गुरु के निर्देश से हैरान और भाव विभोर हो गई। वे अचानक मिली इस जिम्मेदारी से चकित थे। उन्होंने तुरंत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। महाराज जी, सत्संग तो आप ही देंगे, सारी संगत आपकी आवाज सुनने के लिए, आपके अनमोल वचनों के लिए एक महीने से इंतजार कर रही है, बड़ी बेताब है, कृपया आप नीचे चलकर संगत को संबोधित करें। हुजूर साहब बड़े महाराज जी की मनसा को भली भांति समझते थे, परंतु उन्होंने स्वयं को इन विचारों से सजग रूप से दूर रखा। उनके लिए अपने गुरु की आदरणीय भूमिका में कदम रखने का विचार न केवल अनाकर्षक था, बल्कि इससे उनमें गहरी चिंता और भय भी उत्पन्न होता था। खुद को अपने अत्यधिक सम्मानित और प्रिय गुरु का उत्तराधिकारी मानने का विचार उन्हें असहज बना देता था। बड़े महाराज जी द्वारा उन पर आरोपित की गई अपेक्षाएं और निहितार्थ उन्हें गहराई से विचलित करती थी। हुजूर साहब की इच्छा मात्र इतनी थी कि वे अपने गुरु की पवित्र उपस्थिति में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करें, उनकी स्नेहिल मुस्कान में आनंदित हो और उनके प्रेमपूर्ण और संरचनात्मक मार्गदर्शन में विकसित हों। हुजूर साहब की झिझक के बावजूद बड़े महाराज जी ने उन्हें उनकी पूर्व निर्धारित भूमिका को अपनाने के लिए दृढ़ता से प्रेरित करते रहे। उन्होंने आश्वासन भरे स्वर में हुजूर साहब से कहा, ठीक है, मैं सत्संग के लिए थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन जब तक मैं नीचे नहीं आता तब तक संगत को जाकर संभालो और सत्संग की शुरुआत करो। आज बसंत पंचमी का शुभ अवसर है, इस पवित्र पर्व का महत्व संगत को समझाओ। अपने गुरु के आदेश को सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हुए
हुजूर साहब ने उसे अनुग्रह के साथ पूरा किया। उन्होंने संत मत की परिप्रेक्ष्य में इस दिन के महत्व को प्रकाशित करते हुए एक गहरा प्रवचन दिया। उनकी वाक कला बेजोड़ थी, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि अद्वितीय थी। उनके द्वारा कहे गए हर शब्द में एक उत्थानकारी ऊर्जा थी जिसने हजारों की संगत को मोहित कर दिया, जो उत्सुकता और उत्साह से भरपूर मौन में उनकी बातें सुन रहे थे। हुजूर साहब का सत्संग प्रस्तुत करने का तरीका एकत्रित आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के हृदयों में नवीन ऊर्जा का संचार कर गया। हुजूर साहब के भाषण से जब संगत मंत्र मुग्ध हो रही थी, उस समय बड़े महाराज जी अपने कमरे में ऊपर बैठे अपने प्रिय शिष्य के वचनों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने सोच समझकर सत्संग पंडाल में अपने आगमन को विलंबित किया ताकि हुजूर साहब को अपने आध्यात्मिक उपदेश को जितना संभव हो सके अधिक समय तक विस्तारित करने का अवसर मिले। अपने गुरुमुख के गहरे भाषण को सुनते हुए बड़े महाराज जी गहरे गर्व और संतुष्टि से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक अद्वितीय और अपराजेय आध्यात्मिक महारथी को विकसित किया है, जो लाखों के लिए मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए नियत था। 1996 के अपने पहले सत्संग से लेकर अंतिम तक बड़े महाराज जी ने अपने गुरुमुख की अद्वितीय क्षमताओं, गहन ज्ञान और असाधारण आध्यात्मिक शक्ति की मन से निरंतर सराहना की। उन्होंने हुजूर साहब को अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया, जिन्हें उनकी विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और इसे विस्तार से दुनिया भर में फैलाने का दिव्य कार्य सौंपा गया था। बड़े महाराज जी की प्रसन्नता व्यक्त करने योग्य थी। उनका उत्साह एक सम्राट की तरह था, जो एक युवा राजकुमार की संभावनाओं और आशाओं में आनंद मनाता है, जो विश्व की विरासत को संभालने और उस पर शासन करने के लिए तैयार हो। उनकी आंखें एक गौरवशाली भविष्य के सपनों से भरी हुई थी। पर दूसरी ओर बड़े महाराज जी द्वारा हुजूर साहब को उनके उत्तराधिकारी के रूप में और सत्संगों में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए निरंतर प्रोत्साहन देने की वजह से हुजूर साहब खुद को एक नई चुनौती का सामना करता हुआ महसूस करते। बड़े महाराज जी की उनकी संभावित उपलब्धियों पर उत्साहित टिप्पणियों ने उनके भीतर विविध भावनाओं का संचार किया। यह अपेक्षा उनमें ऐसा डर पैदा कर रही थी जैसे किसी को अपनी पतंग की डोर ढीली छोड़ने पर महसूस होता है। यह उनके गुरु से दूर हो जाने की आशंका का प्रतीक था। 1996 में दार्जिलिंग में पूर्वोत्तर सत्संग यात्रा के अवसर पर बड़े महाराज जी ने एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हुजूर साहब को सौंप दी। एक सत्संग के समापन के पश्चात हुजूर साहब ने नामदान के इच्छुक श्रद्धालुओं को एक कमरे में व्यवस्थित किया। जब हुजूर साहब ने बड़े महाराज जी को नामदान देने के लिए उनकी उपस्थिति का अनुरोध किया, तो बड़े महाराज जी ने थकान का हवाला देते हुए उन्हें ही नामदान की प्रक्रिया को समझाना और संगत को पूरी आध्यात्मिक यात्रा की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। यह कार्य आमतौर पर अनुभवी गुरु या संतों द्वारा किया जाता है, जिनकी स्वयं की रसाई सतलोक से भी आगे की हो। दार्जिलिंग की यात्रा के बाद बड़े महाराज जी ने नामदान प्रक्रिया के विस्तार और विवरण की जिम्मेदारी पूर्णतया हुजूर साहब को सौंप दी, जिन्होंने इसे आगामी सत्संगों में संचालित किया। वे हुजूर साहब को नवनियुक्त शिष्यों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हुए गौरवान्वित नजरों से देखते थे। जैसे ही हुजूर साहब द्वारा सभी आवश्यक ज्ञान साझा कर लिया जाता,
बड़े महाराज जी श्रद्धालुओं के पास जाकर उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद देते। 1996 में जून के बाद बड़े महाराज जी ने चरण फेरी और घरेलू सत्संगों में अपनी भागीदारी में काफ़ी कमी कर दी, जिससे प्रभावी रूप से इन गतिविधियों का संचालन बंद हो गया। जब भक्त उनके पास आकर अपने घर पर सत्संग के लिए उनकी पवित्र उपस्थिति की याचना करते तो वे भी नम्रता से इनकार कर देते और बदले में सुझाव देते, मैं मास्टर को भेज दूंगा, वह तेरे यहाँ सत्संग कर देगा। नवंबर का महीना आते आते जब भिवाणी में बड़े महाराज जी ने अपना अंतिम सत्संग आयोजित किया, तब उन्होंने हुजूर साहब को क्रमशः अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपने की ठानी। भिवाणी सत्संग संपन्न होने के उपरांत उन्होंने संगत को सूचना दी और निवेदन किया कि वे दिनोद में आयोजित होने वाले दैनिक दरबार में उनसे मिलने नहीं आई, क्योंकि वे एक दीर्घ यात्रा पर निकलने वाले थे। उन्होंने संगत से आग्रह किया कि वे उनके दर्शनों के लिए उनके पास न आए, क्योंकि वे कुछ समय एकांत में बिताना चाहते थे। सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने हुजूर साहब को निर्देश दिया कि वे नामदान की प्रतिक्रिया को जारी रखें और नए प्रेमियों को इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाएं। जब हुजूर साहब उनके हुक्म का पालन करने के लिए उनके कमरे से निकले, तब बड़े महाराज जी ने उस समय उनके बिस्तर के पास बैठे कुछ गिने चुने लोगों की ओर मुड़कर संतुष्ट स्वर में ये शब्द कहे, अब मेरा मास्टर सत्संग किया करेगा और मैं बैठकर देखा करूंगा। निर्देशों का पालन करते हुए और कर्तव्यों का संपादन करने के करीब 45 मिनट बाद हुजूर साहब बड़े महाराज जी के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान समारोह के अंतिम चरण में उपस्थित होने का अनुरोध किया, जहां श्रद्धालुओं के सिर पर हाथ रखकर व्यक्तिगत आशीर्वाद दिया जाना था। अपेक्षा के विपरीत बड़े महाराज जी ने उनके साथ जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने हुजूर साहब को आगे बढ़ने और समारोह को स्वयं संभालने के निर्देश दिए। बड़े महाराज जी ने उन्हें उपस्थित आत्माओं के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए उनसे कहा, मास्टर आज तू ही सबके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे दे, सारे काम तो तूने संभाल ही लिए हैं, यह भी तू ही कर दे। आदेशानुसार हुजूर साहब ने प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को अपने हाथों से व्यक्तिगत आशीर्वाद देने की पवित्र प्रक्रिया को निभाया। इस दौरान बड़े महाराज जी मध्य में बैठे अपने गुरुमुख हुजूर साहब की क्रियाओं को ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते रहे, जो विधिवत और सूक्ष्मता से एकत्रित आत्माओं के जीवन को परिवर्तित कर रहे थे। बड़े महाराज जी की दृष्टि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके गुरुमुख पर निरंतर टिकी रही। जब उन्होंने अपने जीवन भर के सपने के साकार होने का दृश्य देखा, उनकी आंखें भावनाओं से भर उठी। हुजूर साहब ने जब अंतिम नामदान पूरा किया तो उन्होंने उठकर देखा कि बड़े महाराज जी भाव विभोर नेत्रों के साथ उनके सम्मुख खड़े हैं। उनकी नजरें मिली और उस क्षण ने समय की सीमाओं को पार कर दिया। बड़े महाराज जी को मौन आंसू बहाते देखकर हुजूर साहब के मन में गहरी असहायता की भावना उत्पन्न हुई और उनके मन में यह दृढ़ संकल्प जागा कि वे अपने गुरु को दोबारा यूं चिंताग्रस्त नहीं होने देंगे। यह क्षण 45 वर्ष पहले की उस भावपूर्ण मुलाकात का प्रतिबिंब था, जब बड़े महाराज जी ने पहली बार एक बाल हुजूर साहब की आंसू भरी आंखों को देखा था। यह वही असहायता की भावना थी जिसने 45 वर्ष पहले बड़े महाराज जी के हृदय को घेर लिया था। जब उन्होंने
चार वर्ष के छोटे हुजूर साहब की आंसू भरी आंखों को पहली बार देखा। उस समय बड़े महाराज जी ने उन आंखों को देखते हुए कामना की थी, यदि मैं इसका बड़ा भाई होता तो इसे कभी रोने नहीं देता। यह क्षण प्रेम के चक्कर की पूर्णता का प्रतीक था, जो करुणा की गहराइयों से उपजा था और अब अपनी पूर्णावस्था का अद्भुत संगम दर्शा रहा था। उस भावपूर्ण क्षण में बड़े महाराज जी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिली, एक ऐसी प्रकाशमय मुस्कान जो मानो उनके शिष्य की उपलब्धि का जश्न मना रही हो, उनकी विजय का सार्थक प्रमाण। फिर उन्होंने हुजूर साहब की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और बड़े महाराज जी की उंगलियों के संग अपनी उंगलियां गूंथी और फिर साथ ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कार की ओर चल पड़े। फिर हुजूर साहब बड़े महाराज जी को सत्संग घर से दिनोद आश्रम तक एक अंतिम बार गाड़ी चला कर ले गई, बिना यह जाने कि यह उनकी बड़े महाराज जी के आध्यात्मिक सारथी के रूप में अंतिम सेवा होगी। प्यारी सत्संग जी, कल फिर यहीं से हम अपने महाग्रंथ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।